नमस्कार, मैं विश्वानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चार दिवसीय महापर्व छठ पूजा संपन्न, राज्य का पहला वाटर स्पोर्ट्स बना यह जिला। घोड़घट मिर्जा चौकी एनएस 80 निर्माण का बाधा समाप्त। नेपाल ने फिर उठाया सीमा विवाद का मसला। केएल राहुल और अश्विन को बाहर कर दो खिलाड़ियों को मिले मौका। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। चार दिवसीय महापर्व छठ पूजा संपन्न, आज चार दिवसीय महापर्व छठ पूजा की समाप्ति हो गई है। इस मौके पर सभी छठ व्रती ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया और अपने परिवार के सुख समृद्ध के लिए छठी मैया से आशीर्वाद मांगते हुए इस पूजा की समाप्ति की। इस दौरान विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों द्वारा घाटों पर व्रतियों के लिए वॉच टावर, चेंजिंग रूम, बिजली और पेयजल की व्यवस्था की गई। बता दें कि घाटों पर भीड़ की सुरक्षा के लिए NDRF और SDRF की टीम तैनात रही। छठ पूजा के बाद वापस जाने की परेशानी होगी खत्म। छठ पूजा के संपन्न होने के बाद यात्रियों के वापसी को लेकर भारतीय रेल के द्वारा 13 अतिरिक्त ट्रेनों को परिचालन किया जा रहा है। बता दें कि इस मौके पर किसी यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए 31 अक्टूबर यानी कि आज से पटना जंक्शन सहित दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र जंक्शन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर की व्यवस्था रहेगी। इन सभी काउंटरों पर कर्मियों की तैनाती रहेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय रेल के द्वारा 13 अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक जाएगा। राज्य का पहला वाटर स्पोर्ट्स बना यह जिला। बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं बना रही है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के गढ़ होने की वजह से बिहार के लोगों को हमेशा आकर्षित करता रहा है, लेकिन स्थल पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित नहीं होने पाने की वजह से पर्यटकों से वो अछूता रह जाता है। इस बीच सरकार वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिए जाने पर काम कर रही है। बेतिया के अम्बावन में वाटर स्पोर्ट्स और पैरासेलिंग की सुविधा पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई है। इसका सफल ट्रायल 6 महीने पहले ही हो चुका है और इसका उद्घाटन भी 5 महीने पहले हो चुका है। अब सैलानियों को इसे खुलने का इंतजार है। कयास लगाया जा रहा है कि 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए पैरासेलिंग की सुविधा शुरू की जाएगी, ताकि दूर दूर से आने वाले सैलानी पैरासेलिंग के साथ पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकेंगे। सैलानियों को यहाँ पैडल बोट, बनाना राइड, जेट स्काई, जॉनिंग रोलर, कनू ट्री हाउस, फ्लोटिंग प्रोमिनेड का भी लुत्फ उठा सकेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उगते सूर्य को दिया अर्घ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने छठ पर्व के अवसर पर राजधानी पटना के दीघा घाट पर उगते सूर्य को अर्घ दिया। वहीं बीते दिन रविवार को तेजस्वी यादव ने पटना के मीनार घाट पर छठ व्रतियों के साथ अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दिया था। अर्घ देने के साथ ही तेजस्वी यादव ने लोगों से यह वादा किया कि छठ के लिए अगले साल लोगों को और बेहतर व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई और बिहार सरकार में वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने पैतृक गांव गोपालगंज के फुलवरिया में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया और सभी देशवासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना की। घोड़घट मिर्जा चौकी एनएस 80 निर्माण का बाधा समाप्त। मुंगेर के घोड़घट और मिर्जा चौकी के बीच 98 किलोमीटर एनएस 80 के निर्माण में आने वाली NOC बाधा खत्म हो गई है। 25 लाख अतिरिक्त भुगतान करने के बाद वन एवं पर्यावरण विभाग ने सड़क निर्माण के लिए NH विभाग को NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र दे रही है। दरअसल 1500 पेड़ की कटाई होनी है। कटने वाले पेड़ों की संख्या के हिसाब से 10 गुने अधिक पेड़ लगाने और 1000 पेड़ों की शिफ्टिंग के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग से 5.45 करोड़ यानी कि 5,45,00,000 रुपये की मांग की गई थी। उक्त राशि के भुगतान के लेबर चार्ज के नाम पर वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा NH विभाग से 25 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग कर दी गई। युवाओं को मिलेगी 240 घंटे की फ्री स्किल ट्रेनिंग। बिहार में बिहार सरकार कुशल युवा प्रोग्राम योजना चला रही है, जिसके तहत OBC, SC, ST और विकलांग 10वीं और 12वीं पास युवकों को स्वरोजगार की नींव रखने और कुशल बनाने के लिए 3 महीने के भीतर अलग अलग रोजगार के लिए 240 घंटे की फ्री ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाती है। बता दें कि OBC, SC और ST वर्ग के युवाओं के लिए आयु सीमा 15 से 25 साल निर्धारित की गई है, जबकि विकलांग युवाओं के लिए आयु सीमा में वर्गवार छूट दिया गया है। SC और ST वर्ग के विकलांगों के लिए आयु सीमा 33 साल, OBC वर्ग के युवाओं के लिए 31 साल निर्धारित की गई है। बिहार सरकार की इस योजना का लाभ युवा विभाग की वेबसाइट www.7yuvaupmission.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवा के ले सकते हैं। नेपाल ने फिर उठाया सीमा विवाद का मसला। नेपाल सरकार ने दोनों देशों की सीमा के पास भारत में बन रही एक सड़क के चौड़ीकरण पर आपत्ति जताई है। यह पहली बार नहीं है जब नेपाल ने सीमा विवाद का मसला उठाया। फिलहाल इस सड़क पर काम रोक दिया गया है। यह सड़क सीधी सीतामढ़ी के कई इलाकों को नेपाल बॉर्डर पर भिट्ठा मोड़ और नेपाल के जनकपुर से जोड़ती है। यहाँ पुल निर्माण कराया जाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले नेपाल के अधिकारियों ने सीमा के करीब 1 किलोमीटर
10 मीटर में सड़क के चौड़ीकरण पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद इस सड़क का काम रोक दिया गया है। मोरबी पुल हादसे के बाद भावुक हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने मोरबी ब्रिज हादसे पर दुख व्यक्त किया। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी ने कहा कि मैं एकता नगर में हूँ, लेकिन मेरा मन मोरबी के पीड़ितों के साथ है। मैंने अपने जीवन में शायद ही कभी इस तरह के दर्द का अनुभव किया होगा। एक तरफ दर्द से भरा दिल है तो दूसरी तरफ है कर्तव्य का रास्ता। बता दें कि गुजरात के मोरबी में यह हादसा रविवार शाम 6:30 में तब हुआ जब 765 फीट लंबा और महज 4.5 फीट चौड़ा केबल सस्पेंशन ब्रिज टूट गया। 143 साल पुराना पुल ब्रिटिश शासनकाल में बनाया गया था। यह पुल पिछले 6 महीने से बंद था। कुछ दिन पहले ही इसकी मरम्मत की गई थी। हादसे में 5 दिन पहले 25 अक्टूबर को यह ब्रिज आम लोगों के लिए खोला गया। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में मृतकों की संख्या सोमवार सुबह यानी आज सुबह तक 190 पहुंच गई थी। बिहार के इस शहर में दूसरी अर्घ के दिन होता है रावण दहन। आमतौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में विजयादशमी के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में विजयादशमी के बजाय छठ पूजा के मौके पर रावण का पुतला जलाया जाता है। जी हाँ, यहाँ छठ पूजा के दूसरी अर्घ के दिन यानी आज रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि विगत 16 साल से साहू पोखर घाट पर सुबह के अर्घ वक्त रावण दहन की परंपरा है। इस प्रथा का निर्वहन साहू रोड के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। बिहार में मॉनसून की पूरी तरह से वापसी के बाद अब प्रदेश में गुलाबी ठंड के दस्तक देना शुरू कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार में उत्तर पछुआ हवा के कारण मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क और आसमान साफ रहेगा, लेकिन रात के तापमान में सामान्य से 1 या 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। बता दें कि सोमवार को यानी कि आज का न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आरजेडी का पीएम मोदी पर हमला। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने गुजरात में ब्रिज गिरने से लोगों की मौत पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है कि गुजरात में पुल गिरने से 140 निर्दोष लोगों की हत्या हो गई, लेकिन भ्रष्टाचार और मौतों पर गोदी मीडिया में सन्नाटा है क्योंकि वहां 27 सालों से बीजेपी सरकार है। गोदी मीडिया मोदी शाह के गृह राज्य में कोई दोष और अवगुण को देखेगी नहीं। कल्पना कीजिए, अगर 140 मौतें गैर भाजपा शासन में होती तो बीजेपी सरकार के जो मर्जी मुंह में आता है बोल बक देते हैं। धरातल पर कुछ होता नहीं है और ना ही इनके रहते होना है। चिराग पासवान आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का आज जन्मदिन है। इस मौके पर चिराग पासवान ने बीते दिन कल यानी रविवार को ऐलान किया था कि मौजूदा विधानसभा उपचुनाव में मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह पर बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि बिहार में विधानसभा उपचुनाव खत्म होने के बाद चिराग पासवान को जन्मदिन का तोहफा मिल सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि चिराग को केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि चिराग पासवान दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। पश्चिम चंपारण में पीके ने कही बड़ी बात। जन स्वराज पद यात्रा के 29वें दिन लौरिया प्रखंड के अल्पसंख्यक बस्ती में लोगों को संबोधित करते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि जो भाजपा आपको दिख रही है वो सिर्फ झाग है, नीचे आरएसएस है। उन्होंने कहा कि आधे लोग भाजपा के डर से लालू को वोट दे रहे हैं, आधे लोग लालू के डर से भाजपा को। बता दें कि प्रशांत किशोर ने अब तक पदयात्रियों के साथ बगही से चलकर बसवरिया लाकर सिसई धोबनी पकड़ी मरीहा और बिजबनिया होते हुए लौरिया तक के 17 किलोमीटर का सफर तय किया। केएल राहुल और अश्विन को बाहर कर दो खिलाड़ियों को मिले मौका। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में होने वाले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार के बाद भारतीय पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने रोहित शर्मा से प्लेइंग 11 में बदलाव की गुहार लगाई है। हरभजन सिंह का कहना है कि अगले मैच में सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और स्पिनर अश्विन की जगह क्रमशः ऋषभ पंत और युजवेंद्र चहल को मौका दिया जाए। वहीं अगर दिनेश कार्तिक मैच के लिए फिट नहीं है तो टीम दीपक हुड्डा के साथ भी जा सकती है। बता दें कि केएल राहुल जहां अभी तक टी20 वर्ल्ड कप के 3 मैचों में फ्लॉप रहे हैं, वहीं अश्विन ने अपने 4 ओवर में कोटे में मात्र 1 विकेट के साथ 43 रन लुटाए हैं। बिहार में आज पेट्रोल डीजल का रेट। आज यानी सोमवार को बिहार में पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए हैं। यहां पटना, पूर्णिया, भागलपुर, औरंगाबाद, आरा, नवादा, छपरा, हाजीपुर समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। आज पटना में पेट्रोल की कीमत 108.12 यानी कि 108.12 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की रेट 94.86 रुपये प्रति लीटर है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आज पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपये प्रति लीटर है। दरभंगा में आज पेट्रोल का रेट 107.62 रुपये प्रति लीटर। बेगूसराय जिले में पेट्रोल 106.95 रुपये प्रति लीटर, जो कल 107.02 रुपये प्रति लीटर थी। भागलपुर में पेट्रोल के रेट पहले की तरह
108.68 रुपये प्रति लीटर है। बता दें कि आज सबसे महंगा पेट्रोल किशनगंज में जिले में मिल रहा है। यहाँ पेट्रोल के रेट 109.35 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, अनवर करीम खान, बिट्टू कुमार राज, मृत्युंजय कुमार, रविशंकर, भरत प्रसाद, शंकर मुखिया और पंकज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप छठ घाटों पर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से संतुष्ट थे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।